भर्ती जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। 21 क्विंटल धान खरीदी और अगले 5 साल तक मुफ्त चावल समेत कई बड़े और कड़े कदमों से सरकार ये साफ कर रही है कि प्रदेश में प्राथमिकता मोदी की गारंटी को पूरा करने पर। इधर विपक्ष कहता है कि प्रदेश की जनता ने जिस भरोसे से बीजेपी को सत्ता में बिठाया वो उस पर खरा उतरे, उस पर काम करे, नजर विपक्ष की रहेगी। दोनों पक्षों से साय कैबिनेट की इस फर्स्ट मीटिंग को लेकर जो मैसेज निकल रहा है, खुलकर इस पर बहस होगी, कुछ बयान भी आए विपक्ष के उन पर भी बात होगी। आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। आप चर्चा में हमारे साथ दोनों पक्षों के दो बड़े सुलझे हुए नेता हैं और जमीनी कार्यकर्ता हैं जो आज अपना अपना पक्ष रखेंगे। रजनीश सिंह साहब हैं, पूर्व विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक साफ सुथरे सुलझे हुए नेता हैं, वैसी छवि रखते हैं। स्वागत है आपका सिंह साहब। और मेरे साथ में यहां अमित श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस पार्टी के युवा तेज तर्रार नेता और प्रवक्ता, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पहले आप दोनों एक रिपोर्ट देखिए, हम सब एक रिपोर्ट देखते हैं कि क्या बड़े फैसले, उसके बाद फिर बातचीत करेंगे। नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में नए साल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में संपूर्ण कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई। कैबिनेट में लिए गए फैसलों को ब्रीफ करते हुए प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC भर्ती मामले की अब CBI से जांच कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2021 के आधार पर 12 विभागों में 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी हुई, जिसे लेकर शिकायतें और विवाद खड़ा हुआ। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनते ही इस गड़बड़ी की CBI जांच का वायदा किया था। दूसरा, अपने वायदे के मुताबिक सरकार किसानों से 2023-24 साल के लिए प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करने का फैसला कर चुकी है। इसके अलावा अंत्योदय और प्राथमिकताधारी राशन कार्ड धारकों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन देने के मुख्यमंत्री के ऐलान पर भी कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी। इससे प्रदेश के 67,92,153 परिवार लाभान्वित होंगे। दरअसल बीती कांग्रेस सरकार के समय CGPSC भर्ती में अफसरों के बेटे बेटियों के चयन को लेकर गंभीर आरोप लगे। इस परीक्षा का प्री एग्जाम 13 फरवरी 2022 को हुआ, जिसमें 2,565 अभ्यर्थी पास हुए, मेंस में 509 अभ्यर्थी पास हुए और इंटरव्यू के बाद 11 मई 2023 को जारी हुई फाइनल सूची। चयन सूची में आयोग के तत्कालीन चेयरमैन समेत कई अफसरों के बेटे बेटियों और रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर पद पर नियुक्ति करने को लेकर कुछ युवाओं ने नग्न प्रदर्शन तक किया। मामले में बीजेपी नेता और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर सुनवाई जारी है। तो आज हमारी सरकार ने 2021 की PSC की अनियमितताओं की जांच के लिए CBI को सौंपने का निर्णय किया है। 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करेंगे। अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्ड धारी परिवारों को आगामी 5 सालों तक निःशुल्क चावल देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि 2023 के चुनाव में सभी जीते हुए राज्यों में बीजेपी के लिए अगर कुछ काम किया तो वो है मोदी की गारंटी। इसीलिए प्रदेश बीजेपी सरकार अपने 100 दिनों की प्लानिंग से लेकर हर शुरुआती फैसले में पूरी प्रतिबद्धता से उन घोषणाओं को पूरा करने में जुट गई है जो मोदी की गारंटी में शामिल है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा करने के साथ ये भी तय हुआ कि धरातल पर सरकार का हर विभाग केंद्रीय नेताओं की मंशा के अनुरूप चुस्त प्रशासन वाली छवि बनाते हुए तत्परता से काम करे, ताकि विपक्ष को 2024 के चुनाव से पहले कोई भी मुद्दा न मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो कांग्रेस का इस पर बड़ा रिएक्शन है कि चुनाव को देखते हुए बीजेपी सारे काम कर रही। बीजेपी भी स्वीकार करती है कि वो 365 दिन साल के चुनाव को लेकर अगर सक्रिय रहती है तो राजनीतिक दल है, ऐसा करना उसे चाहिए भी। और 24 में फिर कुछ महीनों में चुनाव में पूरा देश जाएगा, छत्तीसगढ़ में भी 11 सीटों पर किसकी सरकार में भागीदारी ज्यादा होगी यहां से, इसे लेकर एक प्रतिस्पर्धा है। दोनों पक्षों के नेताओं से सीधे बातचीत की शुरुआत करते हैं। रजनीश सिंह साहब, दो बातें हैं। कैबिनेट ने अब तक जितने भी फैसले लिए, 3 मीटिंग हुई और अब तक जितने भी निर्णय सामने आए, सब मोदी की गारंटी को निभाने वाले हैं। इस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया बाद में। क्या 24 के लिहाज से आप विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं देना चाहते, जल्द से जल्द अपने वायदे पूरे करना चाहते हैं? क्या फोकस आपको, प्राथमिकता आप सरकार का जनता तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी यदि देश के संदर्भ में भी बात करें
छत्तीसगढ़ में 2003 से 2018 तक के संदर्भ में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प लाती है उसको पूरा करने के लिए शुरू दिन से ही प्रयास करती है और लगभग सारे संकल्प हम पूरा करते हैं। 2023 के चुनाव में हमने संकल्प लाया था छत्तीसगढ़ के गांव गरीब किसानों के लिए और वो उसको नाम हमने मोदी जी के गारंटी के नाम से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के नाम से उसको संकल्प पत्र को छत्तीसगढ़ के जनता के सामने लाया था। और उसी तारतम्य में लगभग 20-21 दिन हुआ है आज सरकार बने छत्तीसगढ़ में और जो बड़े बड़े बातें थी, जो बड़े बड़े हमारे संकल्प थे उसको एक के बाद एक पूरा कर रहे हैं। और पाठक एक बात बहुत ही विनम्रता से कहना चाहूंगा कि हम राजनीतिक दल है, राजनीति के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन चुनाव हो चुनाव न हो हम अपने संकल्प के आधार पर, संकल्प में जो हमने कहा है, जनता ने जिन चीजों के लिए हमको इतना बड़ा जनादेश दिया है उसके लिए काम कर रहे हैं, करेंगे। अब ये विपक्षी दल इसको चुनावी राजनीति समझती है तो वो समझे, उनका काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है, ठीक है, 12 महीना। चलिए आपकी बातों को विस्तार देंगे हम, आपके एक तर्क का उत्तर हम लेंगे। श्रीवास्तव जी इसके लिए बैठे हुए। अमित जी, आप विपक्ष के नाते, विपक्षी दल के नाते सरकार और कैबिनेट के अब तक के निर्णयों को कैसे देखते हैं? वो खुलकर कह रहे हैं मोदी की गारंटी के आधार पर सरकार बनी है और उसे पूरा करना उनका दायित्व है, उनका धर्म है। देखिए, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता रजनीश जी ने अभी कहा 2003 की उन्होंने याद दिलाई और ये कहा कि 2003 से आज तक हमने जो भी संकल्प लिया था हमने उसे पूरा किया। तो मैं कहना चाहता हूं या तो वो झूठ बोल रहे हैं या उसको रेक्टिफाई कर लें, दोनों ऑप्शन आपके लोकप्रिय चैनल पे उनके पास अभी भी है, क्योंकि उन्होंने जो कहा था 2100 रुपए नहीं दिया, 300 रुपए बोनस नहीं दिया, जर्सी गाय नहीं दिया, और भी जो वादे उन्होंने किए थे 3, 8 और 13 में उसे नहीं किया और अब वो कह रहे हैं हमने वो वादे पूरे किए थे। तो ये तो पूरी तरीके से झूठ है और बीजेपी के लोग दो कामों में बड़े माहिर होते हैं पुनीत जी, ये आधे समय सच को छुपाना और आधे समय झूठ को फैलाना, ये उनकी चाल चरित्र और चेहरा में गिना जाता है। रही बात, आपने अभी कहा कि जितने भी फैसले लिए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अब हमारी पैनी नजर होगी और इन्होंने जिस प्रकार से कहा मोदी जी की गारंटी पे जो ये लगातार जो फैसले ले रहे हैं, निश्चित तौर पे आज हमने इनको मजबूर किया कि जो व्यक्ति 2100 रुपए कह के भी नहीं देते थे 3, 8 और 13 में, आज 3100 रुपए में उन्हें देना पड़ रहा है। तो ये क्रेडिट गोज टू कांग्रेस, क्योंकि लगातार हमारे कारण, और मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपके लोकप्रिय चैनल पे कहना चाहता हूं कि वी ऑल गवर्न बाय वन लॉ। अगर एक स्टेट में आप दे रहे हैं साहब तो सिर्फ राजनीति के लिए, चुनाव जीतने के लिए नहीं, जहां जहां आपकी सरकार है मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि वहां वहां पर भी आप 3100 रुपए दीजिए। ठीक बात है, चलिए, आपने लिमिटेड टाइम में बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। अब एक एक करके बिंदुओं पर आते हैं। रजनीश सिंह साहब, क्या जो पीएससी भर्ती का जो आज बड़ा फैसला हुआ इसमें पीएससी भर्ती को लेकर के बात की गई, ये भी मोदी की गारंटी में शामिल है? दूसरा, गरीबों को जो चावल देने की घोषणा थी, प्रधानमंत्री जी का ऐलान था, फिर मुख्यमंत्री जी का ऐलान, आज कैबिनेट ने उस पर मोहर लगा दी, ये भी एक तरह से मोदी की गारंटी। तीसरी जो बात आज की गई किसानों और धान किसानों के बारे में कि भई 2100 रुपए में हम 21 क्विंटल जो है लिया करेंगे, और ये कांग्रेस आपके सामने भी कह रही कि उनकी वजह से आप विवश हुए हैं, तो ये मोदी की गारंटी है या कांग्रेस ने विवश किया, क्या है? पाठक जी, अब इसमें देश की और छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता सुन रही होगी, अमित भाई बड़े थोड़ा सा हताशा निराशा में बोल रहे हैं, अच्छा है, अब वो हताश निराश तो होंगे, स्वाभाविक है। तो पूरा छत्तीसगढ़ की जनता सुन रही है कि क्या क्या कांग्रेस का दबाव है और इसी प्रकार के इनका दबाव बना रहे और ये पूरे देश से लुप्त होते जा रहे हैं, लुप्त प्राय हो जाएं, उसके बाद टीवी में बैठ करके बात करें। जहां तक रही हमारी मोदी जी के नाम से जो संकल्प हमने जो लिया था इस चुनाव में, तो उसमें हमने खुल करके इसके खिलाफ में आंदोलन किया था। जब से वो सूची पीएससी की आई थी तब से बार बार आरोप लग रहा था, हजारों जो युवा हैं प्रदर्शन किए और छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में विश्व में जो प्रदर्शन हुआ, लेकिन कांग्रेस को उसमें किसी प्रकार का शर्म नहीं है, उनको मुद्दा नहीं लगता है कि ये इतना बड़ा मुद्दा जो हुआ इसके कारण जवानों को, नौजवानों को क्या क्या करना पड़ा। हमने शुरू से कहा था कि इसको सीबीआई जांच सौंपेंगे और सीबीआई जांच को आज सरकार ने कैबिनेट में लिया है। इसी प्रकार अमित जी क्या कहेंगे, सीबीआई अब जांच करेगी उस तथाकथित गड़बड़ी की जिसका आरोप आपके शासनकाल से लग रहा है और बीजेपी कहती है हमने तब कहा था और अब सीबीआई को दे दी? देखिए, सबसे पहले तो मैं भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता का जवाब दे दूं, ना तो हम हताशा में हैं ना हम निराशा में हैं।
और रही बात उन्होंने कहा कांग्रेस का प्रेशर, तो कांग्रेस कभी प्रेशर नहीं देती, और अगर कांग्रेस प्रेशर देती तो पूरे देश में कांग्रेस के पास हर गांव में कांग्रेस का झंडा उठाने के लिए कार्यकर्ता। अभी तो आप ही ने कहा, एक मिनट भैया, लेट मी कंप्लीट माय वर्ड फर्स्ट, दिस इज माय टर्न, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। अभी तो आपने प्लीज कहा। आप जब पुनीत जी, दिस इज नॉट द करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, आप अपनी बात रखिए, बात रखिए, देखिए बात जल्दी डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। अरे सुन लीजिए भाई, आप सुन लीजिए, इतना अटकी भटकी लटकी बीजेपी थी, चुनाव जीत गए, इतना हम और वहम में मत रहिए। और आपको बता दूं, रही बात कांग्रेस मुक्त भारत की, बात आप लोग करते हैं, बहुत हंसी आज आपको आ रही है, बड़े विद्वान आप विधायक रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिर कह दूं, आटा को पीस के कभी मैदा नहीं हुआ, आटा को पीसने कभी मैदा नहीं हुआ, और कांग्रेस को खत्म कर दे अभी पैदा नहीं हुआ, तो रुक समझ लीजिए। और आज भी आप 32% वोट आपके पास है 26 पार्टियों के साथ, तो इतना अहम और वहम ठीक नहीं है साहब। चलिए मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। श्रीवास्तव जी, मैंने आपसे ये पूछा कि कांग्रेस पार्टी क्या सोच रखती इस पर, उनका यह कहना युवाओं से सीधे एक तरह की चीटिंग, एक तरह का धोखा हुआ, और अब सीबीआई इसको जांचेगी। देखिए निश्चित तौर पे हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने भी कहा था, अगर गलत किसी के साथ होना नहीं चाहिए, छत्तीसगढ़ में नौनिहालों के साथ जो लगातार, मैं जानता हूं पुनीत जी कि कितना मेहनत करके वो अभ्यर्थी वहां तक पहुंचता है, अगर उसके साथ कुछ चीटिंग हुई है, अगर उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, उसके साथ थोड़ा भी गलत हुआ है, हमने पहले भी कहा था, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई उस पर होनी चाहिए, ये कांग्रेस का स्टैंड है। और रही बात, मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से निष्पक्ष जांच होना चाहिए, मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन जो अभ्यर्थी थे वो हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य थे, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो उस पर जांच होनी चाहिए। आप स्वागत करते हैं कांग्रेस, निश्चित तौर पे अगर निष्पक्ष जांच होती है तो हम उसका स्वागत करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर आपके माध्यम से कह रहा हूं कि जो भी गलत छत्तीसगढ़ में कर रहा है या किया है, उसके ऊपर हमने पहले भी कहा है, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट भी उस पर किया था, उसके ऊपर कठोर से कठोर और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसका जो मैसेज है अमित श्रीवास्तव जी, इसका मैसेज दरअसल कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस को भी, क्योंकि सरकार आपकी थी उस समय भी कई सारे युवाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया था और ये कहा था कि हमारी बात को सुना नहीं जा रहा, चंद लोगों को उसमें फायदा पहुंचाया और फिर ऑब्वियसली सरकार पर, पूरे तंत्र पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क छूट गया। अब आपको लगता है इस कदम से, आप बार बार कह रहे हैं अगर कोई निकलता है तो, मतलब कोई गुंजाइश आपको लगती है कि गड़बड़ी हुई? देखिए मुझे लगता है कि जांच हो जाए, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ, थोड़ा सा जांच हो जाए, जांच होने के बाद जो अभ्यर्थी के साथ गलत हुआ, मैं तो कह रहा हूं पूरी पार्टी के तरफ से कह रहा हूं कि हम चाहते हैं कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है, किसी ने कोई गलत किया है, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई, कांग्रेस फर्स्ट डे से कह रही है कि हम उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करना होना चाहिए निश्चित तौर पर। लेकिन मैंने कहा ना, बीजेपी के लोग दो कामों में बड़े माहिर, आधे समय सच को छुपाना, आधे समय झूठ को फैलाना। रजनीश जी, इसके अलावा आप ये जो मोदी की गारंटी है, इसको लेकर के आपको चैलेंज क्या दिखता है? 24 में चुनाव, 24 शुरू हो चुका है, इसमें चुनाव बहुत दूर नहीं, आपके हर कदम को, सरकार के हर कदम को आप भले ही कहते हैं कि हम चुनाव को देखते हुए नहीं करते, लेकिन कई बार ये भी कहते सुनाई पड़ते हैं कि हम चुनावी पॉलिटिक्स में हैं तो हम उसके हिसाब से तैयारी करें तो गलत क्या, और इसमें वाकई पॉलिटिकली कुछ भी गलत नहीं, क्या 24 को मद्देनजर रखते हुए जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा गारंटी पूरी करने का टारगेट है? नहीं पाठक जी, मैंने कहा कि राजनीतिक दल राजनीति करती है, ये भी करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया है, मैं जिन चीजों का जिक्र पूर्व में किया हूं कि हम उन चीजों को सनय सनय कर रहे हैं, समय अवधि में पूरा करेंगे, इसलिए इसको उस नजरिया से देखने वाले देखें, और हम भी कहते हैं हाँ वो भी एक नजरिया हो सकता है, लेकिन हमने जो मोदी जी के नाम से गारंटी दिया है, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे माता बहनों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे हमारे श्रमिक भाइयों के लिए हो, हर वर्ग के लिए हमने जो गारंटी मोदी जी के नाम से दिया था वो सब धीरे धीरे कर रहे हैं, और चाहते हैं कि इसका लाभ जमीन में, जमीनी स्तर पर बहुत जल्दी से जल्दी सभी लोगों को होना प्रारंभ हो जाए, जिससे कि जो लाभान्वित होने वाले हैं उनको लगे, इनके जैसे नहीं कि सर आपको जब हम लोग बात करते हैं तो बड़े एक्शन मोड में भी दिख रही, एक साल हुआ है, फिर दो साल, फिर तीन साल, सरकार एक बड़े एक्शन मोड में भी दिख रही है, ऐसे कलेक्टर्स, ऐसे अधिकारी जिनका जनता के बीच में सलूट जो है क्वेश्चनेबल है, उन पर फॉरन एक्शन हो रहा है, क्या इस बात के भी आपको लगता है कोई निर्देश है, ये सरकार की सोच है कि आप एक्टिव दिखें, चुस्त प्रशासन वाले दिखें? नहीं देखिए पाठक जी,
पिछले पांच साल का जो अनुभव रहा छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही मतलब अंधकार में डूबा हुआ अनुभव रहा है। कानून व्यवस्था का रहा हो, भ्रष्टाचार रहा हो, माफिया राज रहा हो, और इसी के परिणति में परिणाम आए हैं। इसलिए जब ऐसी सरकार का जाना होता है तो सरकार को एक्शन में हमेशा रहना चाहिए, और जो उन चीजें जो हुई थी पांच साल में उसको दुरुस्त करने के लिए सरकार है। सजग है, और इसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता अमित श्रीवास्तव जी एक बात ये भी है कि 24 में आपको फिर 11 सीटों पर फाइट करना है प्रदेश में, सुशासन का असर दिखेगा। आप देखें, एक तो अपनी गारंटी पूरी कर रहे हैं वो, चाहे वो मुफ्त में अनाज की बात हो, किसानों के धान खरीदी की बात हो, आप कह रहे हैं आप लोगों ने प्रेशर बनाया, चलिए ठीक है, लेकिन कोई मुद्दा विपक्ष के पास 24 के लिए छोड़ नहीं रहे, वो कोई भी सिरा खुला नहीं छोड़ रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं पिछले पांच साल में प्रशासन उसकी जो भी इमेज थी अब वो एक चुस्त प्रशासन वाली छवि बना रहे। देखिए, कट कमीशन और करप्शन पे चलने वाली पूर्ववर्ती सरकार जो थी भाजपा की, आज उनके ही मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था, पुनीत जी एक साल कमीशन खोरी मत करिए, 30 साल हमारी सरकार रहेगी। रही बात आपने कहा मुद्दा नहीं है, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अभी रजनीश भैया के साथ मुझे 3 घंटा बैठा दीजिए, मैं इनको बताता हूं कि ज्वलंत मुद्दों पे तो ये बात ही नहीं करते, बीजेपी के नेता भग जाते हैं। आप देखिए, मैं बात करता हूं कि लोगों की घटती हुई कमाई और बढ़ती हुई महंगाई पे ये बात नहीं करना चाहते, और लगातार बेरोजगारी पे ये बात नहीं करना चाहते, लगातार इतने ज्वलंत मुद्दे हैं देश में 10 सालों में, अगर जो मेन पद पर बैठे हो प्रधानमंत्री जी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें तो समझ में आता है। अरे रजनीश भैया समझ लीजिए, आप ज्वलंत मुद्दों पे बात करने की हिम्मत नहीं है बीजेपी के नेताओं की, मैं तो कह रहा हूँ ना, आप बात करिए कि कैसे आपके कार्यकाल को याद किया जाएगा, 100 रुपए का पेट्रोल का दाम हो गया था, टमाटर 100 रुपए हो गया था, ज्वलंत मुद्दों पे आप बात नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते हैं कि आप उस पर टिक नहीं पाएंगे, भाजपा का कोई नेता टिक नहीं पाएगा। अरे एक विषय तो बोलो भैया मेरे, एक मिनट दीजिएगा रजनी जी। अमित जी, अभी आप ही के बड़े नेताओं ने कहा कि सरकार ने काम करना भी शुरू किया है, लेट देम वर्क, उनको काम करने दीजिए, उसके बाद हम इस पे आएंगे। लेकिन इसी रफ्तार से, जिस रफ्तार से वो अपनी गारंटीज को पूरा कर रहे हैं, और ये बार बार मोदी जी कह गए, मोदी की गारंटी मतलब पूरा होने की गारंटी, फिर आपके पास में क्या मुद्दा बचेगा जनता के बीच चुनावी मैदान? देखिए, मैं बिल्कुल आप प्रदेश की बात करिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं आपके एक माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो वादे इन्होंने किए हैं, हम मैंने तो कहा ना उनको जल्द से जल्द पूरा करिए, और निश्चित तौर पे अभी इनका मंत्रिमंडल गठित हुआ है, अभी ले देके जो पर्ची आई थी उससे इनका डिपार्टमेंट बटा है, मैं शुभकामना देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और निश्चित तौर पे अन्याय होगा अगर इनको काम करने के पहले अगर हम इनके ऊपर आरोप लगाए, काम करें, और इनके काम नहीं करेंगे तो हमारी पैनी नजर रहेगी सड़क से सदन तक, हम इन्हें छोड़ने वाले नहीं है, जनता की आवाज को हम बुलंद करते रहेंगे। लेकिन मैं फिर कह दूं, इन्होंने कहा ना मुद्दे नहीं, फाइनल कमेंट में भी आप यही कहना चाहेंगे कि हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और यहीं से हमको मुद्दे मिलेंगे, 24 के लिए आपको मुद्दे मिलेंगे, ऐसा कंफर्म है? देखिए, मैंने कहा ना फाइनल कमेंट, अनगिनत मुद्दे हैं साहब, बीजेपी के लोगों की हिम्मत नहीं है उस पर चर्चा कर ले, मैंने 2 मुद्दे अभी गिनाए हैं और रजनीश भैया तमतमा गए, तो मैंने कहा ना अटकी भटकी लटकी बीजेपी, भले जीत गए हैं अलग मैटर है, लेकिन वो जानते हैं सेल्फ असेसमेंट जब आदमी करता है तो वो जानता है कि वो कहां गलत है। पुनीत जी, चलिए आपने अपनी बात रखी, रजनीश सिंह साहब आप भी अपना फाइनल कमेंट रखें। पाठक जी, मैं अमित भाई को आने वाले 20 वर्षों तक के लिए सदन से सड़क तक की लड़ाई लड़ने की शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जो गारंटी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर दिया है, समय समय उसको पूरा करेंगे, और ये रोड में चीखते रहे, चिल्लाते रहे, टीवी में बैठ के करते रहे, छत्तीसगढ़ की जनता इनको सबक सिखा चुकी है, और आने वाले समय लोकसभा चुनाव में अभी 2 में ले दे के पिछले समय अभी, जीत अभी गए थे। विपक्ष इस बार 11 की 11 आज तारीख जो है 3 जनवरी, लिख के दे रहा हूं, बोल दे रहा हूं अनुभव के आधार पर कि 11 के 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चलिए ठीक है, अभी वो तारीखें भी आएंगी जब हम उस पर आएंगे, एक एक सीट के ऊपर बातचीत करेंगे। फिलहाल सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी, विपक्ष भी कहता है कि हम भी पूरी तरह मुस्तैदी से आपके कामों को देखेंगे, बहुत अच्छी बात है, दोनों पक्ष जब अपना धर्म निभाएंगे आप दोनों पर हमारी भी नजर रहेगी और हमारे साथ जनता भी देखेगी। बहुत शुक्रिया आपके अपनी बात में अपने पक्ष रखने के लिए, धन्यवाद। वॉज ब्रॉट यू बाय श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, 200 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल विगत 12 वर्षों से आपकी सेवा में, न्यू राजेंद्र नगर अमली डी रायपुर, नए रिश्तों की शुरुआत होंडा शाइन 100cc, शगुन ऑफर के साथ हरी केसरी राइस ब्रांड ऑयल जो कि है हर घर की पहली पसंद क्योंकि इसमें है स्वाद भी और स्वास्थ्य भी, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर।